तो आज हम आ चुके नागपुर डॉली भैया के पास। तो यहाँ पे चाय बहुत ही फेमस है और भैया चाय से भी ज़्यादा फेमस है। तो आप देख सकते हैं भैया कितने बढ़िया हैं और इनका काफ़ी ज़्यादा यूनिक स्टाइल है इनका। देखिए भैया कितने बढ़िया हैं एकदम। तो भैया जी हमारे लिए भी चाय लगा दीजिए भैया। भैया जी दो लगा देना। हाँ जी हाँ जी। तो देखिए भैया का स्टाइल देखिए क्या बात है। वाह क्या बात है। सर आपने वन की वन स्मोकिंग और लेंगे सर। तो ये डॉली भैया जी हैं। तो देखिए वेटिंग अंकल भैया जी कब से आपकी ये शॉप यहाँ पर। मेरे को अभी 10 साल से ऊपर हो गए। 10 साल से ऊपर हो गए। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बड़ी दूर दूर से आते हैं भैया जी चाय पीने के लिए लोग। हाँ जी हाँ। वो भी मेरे वजह से नहीं आते। लोग क्या करते हैं मेरे को फेमस कर देते हैं। अच्छा लोग आपको फेमस कर लोग मेरे को फेमस करते हैं। अच्छा 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 क्या बात है। यस। तो डॉली भैया का आप काम देख सकते हो कितना फास्ट है। कोई नहीं रुकेगा यहाँ पे। क्या बात है भैया हाथ नहीं चलता क्या आपका। चलता है लेकिन महसूस नहीं होता है। अच्छा महसूस नहीं होता। यस। अच्छा जी क्या बात है भैया आपका स्टाइल बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। बहुत ही इम्प्रेस हो गया मैं तो। उसके लिए थैंक यू वेरी मच। अच्छा हाँ। अब मैं जो एक्सेंट जो है ना। अच्छा अच्छा। ये मैं रजनीकांत को फॉलो करता हूँ। अच्छा अच्छा रजनीकांत के फॉलोअर। हाँ बहुत बढ़िया। क्योंकि एक्सेंट में बोले तो रजनीकांत सबका गुरु है। बिल्कुल 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 रजनीकांत जी सबके गुरु है। क्या बात है। तो भैया यहाँ पे ज्ञान भी बताते हैं भैया। चाय का क्या रहता है प्राइस क्या रहता है। 7 रुपये। 7 रुपये। अच्छा टाइमिंग क्या भैया। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक। रात के 8 बजे तक भैया। ऑल डेज ओपन रहता है। नहीं नहीं मेरे बड़े भैया भी रहते हैं। अच्छा बड़े भैया भी रहते हैं। अच्छा अच्छा ऑल डेज मतलब आपका पूरे पूरा 7 दिन। 7 दिन। हाँ 7 दिन रहता है। अच्छा 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 क्या बात है। तो आप देख सकते हैं डॉली भैया को बहुत ही बढ़िया। टेस्ट करके बताता हूँ चाय। तो ये भैया छोटी वाली चाय भी मिलती है। हाँ जी हाँ ये 5 रुपये वाली चाय है। अच्छा 5 रुपये वाली है। अच्छा फ्री में भी पिला देते हो क्या बात है। क्या बात है। इलायची देने का स्टाइल माइल्ड माइल्ड। भैया जी लोकेशन बताओ। ये लोकेशन कौन सी है। ये सदर विषय ग्राउंड। अच्छा। तो ये देखिए ये रही डॉली भैया की चाय। तो मैं टेस्ट करके बता दो कैसी है। जैसे बहुत ही ज़्यादा यूनिक है डॉली भैया। तो मुझे बात करके बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया डॉली भैया से। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा यूनिक स्टाइल है उनका। वो रजनीकांत के फॉलोअर हैं। क्या बात है। और वो किसी को भी कुछ नहीं करने देते अगर वो बोलते हैं मैं हूँ ना। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। तो ये रही डॉली भैया की चाय। 7 रुपये इसकी प्राइस रहती है। 5 रुपये की भी देते हैं। तो चाय मैं टेस्ट करके बताता हूँ कैसी है। तो क्या बात है डॉली भैया की तरह चाय भी एकदम कड़क है। इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फ्लेवर आ रहे हैं। जो चाय पत्ती है एकदम ब्लेंड हो रही है बहुत अच्छे से। तो अगर आप भी नागपुर में रहते हैं नागपुर विज़िट कर रहे हैं तो एक बार ज़रूर डॉली भैया की चाय पीजिए। काफ़ी ज़्यादा अच्छी चाय है। और एक बार बात भी करिए इनसे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो मैं तब तक अपनी चाय फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। डॉली भैया एक्सपीरियंस्ड है। हमारे